अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर फैसल। आज मैं आपको इंट्रो करवा रहा हूं। पूरी तो उनके चीजें पहनी हुई हैं। यू आर लुकिंग प्रिटी मॉम। रबे तुम्हारे कितने नखरे हैं यार। पानी क्यों नहीं दे रहा? ला दिया उसको, ला दिया उसको। चलो जी, ये लग गया जी खाना। रिमोट आया था तो वो काफी खराब हो गया था। उसको अब प्राउड टू बी पाकिस्तानी। नया रिमोट आया तो पापा ने उसके ऊपर शापर लगा दिया पीछे से। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर फैसल। आज मैं आपको इंट्रो करवा रहा हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज व्लॉग जो है वो मेरे कमरे से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत आपको पता है पिछले दिनों काफी, मतलब कल भी काफी खराब थी। और मैंने अपना अभी खुद स्टार्ट किया, मैं नीचे तो आज थॉट के डैडी ये सब लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए, ये बैठी हुई है, वो बैठी हुई है, वो देखिए बेबी अभी नमाज पढ़ के आई है, आज ये जल्दी उठी थी। नहीं नहीं, ये नमाज पढ़ के आई है अभी, बता तो रिफात में नमाज पढ़ के आई हो ना। वही कह रही हूँ, पढ़ के नमाज आई, लेकिन लग रहा है जैसे यूट्यूब। हाँ, फातिमा ने तो अपनी तरफ से सोच लिया कि अब से उसने पूरी नमाजें पढ़ी। आप लोग ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सारी चीजें कर दें। 2 मिलियन जल्दी से कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से लाइव आए, हम सब लोग आए, ठीक है। अभी यहाँ पर सबकी गॉसिप सेशन चल रहा है। मेरा खैर अभी नाश्ता है, क्योंकि मुझे, मैं उठी बहुत लेट हूँ, बहुत ज्यादा मेरे सर में अभी तक बहुत शदीद वाला दर्द है, ऐसा ऐसा टाइम लगता है ठीक होने में। और ये एक लड़की आ चुकी है यहाँ पे पागल, जिस जो 2 भालुओं में से 1 भालू है, ठीक है। और ये इसको औरत बनने का बहुत ज्यादा ही शौक है, इसलिए इसने बालों का स्टाइल भी वैसा बना। तो मम्मी जो है वो मेरी किचन में इस वक्त, और अलमारियों के शीशे लगना अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुम लोग शूट हो रही हो गाइस, ये देखो गाइस, फातिमा तुम ये हरकतें ऐसे हुलिये में ऐसे हरकतें ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। मैंने एक वीडियो बनानी, क्यों ज्वाइन नहीं कर सकोगी? तो आज मैं आपको अपने रिमोट की खास बात बताती, बेचारे को चोट लग गई इसलिए उसको सनी प्लास लगा दिया। ओके, आज इकरा कवल रस खाने लगी है, क्योंकि बीमार होने पे हमारे घर में साग बंद होता है और रस स्टार्ट होते हैं। तो आज आप लोगों को मेरा नाश्ता चेंज लग रहा होगा, वरना अदरवाइज मैं पराठा, सालन, अचार, साग, पता नहीं क्या 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 होता है। मुझे देसी नाश्ता ज्यादा पसंद है rather than this, but due to your health you need to eat this। सो गाइज, मैंने जो है वो नाश्ता वाश्ता कर लिया था, अब जो है वो बारी है, तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, दवाई शवाई ली है मैंने, बट अभी मैं कम्प्लीटली रिकवर नहीं करी हूँ। लेकिन हम लोगों ने जाना है, आज एक जगह दावत है, तो हमारे कजन की तरफ दावत है, तो हमने वहां जाना है, तो हमें तैयार हो रहे हैं, सब लोग तैयार हो रहे हैं, मेरे तैयार होने से पहले सब लोग हो रहे हैं। तो आज मैं आपको पहले सबकी दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आज लेट तैयार हो रही हूँ। चलो जी, यहाँ अंदर आई हूँ तो सिर्फ मानो तैयार हुई है, जिसने 2 अदद मेडियां बनाई हुई हैं। इधर मुँह करो जरा अपना। ओके, मेरा तो कोई, मुझे लगता है कि हिसाब ही नहीं लग रहा, मैं इतनी अजीब हुई हुई हूँ, मेरी हालत इतनी अजीब हुई हुई है, बस मैं तैयार होने जा रही हूँ, मैं तैयार होकर आती हूँ, लेट्स गो। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये बात पक्की पे अरीब ने मुझे गिफ्ट किया था, उस बास्केट में था, इट्स वेरी वेरी क्यूट, क्योंकि मेरी फुल चॉइस का, इस पे म्यूजिक नोट्स बने हुए हैं, अरीब को पता है कि मेरी चॉइस क्या है, लेली लाइक इट, अब मैं इसको पहनने लगी हूँ। ओके, फाइनली एक डी की फुल लुक है, और ये आपे की शर्ट जानी पहचानी लग रही है। हाँ जी, मुझे पता है जानी और पहचानी, पता कौन सी है जो अरीब भाई ने आपे को गिफ्ट दी थी, ये नहीं जाना पहचाना लग रहा। और ये पूरी तो उनके चीजें पहनी हुई है, वॉच भी। अच्छा, तो गाइज मैं हो गई थी तैयार, मैं आपको रबे ने मेरी लुक तो दिखा दी थी, मेरी अभी इतनी डल डल तबीयत हो रही है, बट फिर भी ओ माय गॉड। तो गेस व्हाट, रबे ने स्वेटर पहन लिया सर्दी वाला। रबे तुम्हारी अभी तक गर्मियां नहीं आई हैं? मुझे लग रहा है कि ये हल्की आंच में रासी होती है, जिसको अभी तक सर्दी लग रही है, मतलब गर्मियां फुल आंच पे आ चुकी है, लेकिन मेरी बहन को गर्मी लगती है। मम्मा मेरी फुल तैयार होते हैं, मैं आपको उनके लुक दिखा दूं। भाई, यू आर लुकिंग प्रिटी मॉम, वाओ, आई लाइक योर ड्रेस, आई लाइक योर चेन, वाओ प्यारी मॉम। रबे तुम्हारे कितने नखरे हैं यार। छुके गुजर पांडू को लगा पीछे, कैसे मेल मैचिंग। और सॉक्स भी तो चाहिए यार, ये लड़कियां बहुत टाइम लगाती हैं तैयार होने में। मेरी हालांकि तबीयत नहीं सही है, फिर भी मैं हमेशा ऑन टाइम और सबसे अच्छा तैयार होती हूँ। आप लोग बताएं कैसी लग रही हो मैं, कमेंट बॉक्स में। मम्मा का नया फोन आ चुका है, मैंने अभी तक उसको वो नहीं किया, लोड नहीं किया उसको, अंदर ना कोई सिम डाली, और मैं जूते देखो आधे जूते पहन के जा रही हूँ। तुम आधे नहीं पहन रही, तुम गंदे हुए मेरा बस। क्या ये ही प्यार, दरवाजा किसे बंद करना है? आज से मुझे कहना पकड़ा है, खुद ही बीमार है तो क्या। चलो
चलो ये मैं अपने जूता लोगों को स्टाइल दिखाना चाह रही थी यार, एक मिनट मेरे जूते ये देखे मेरे पहने देखो कैसे हो क्या इसका बहुत फैंसी है ऐसा लग रहा है ऐसे लग रहा है मॉर्निंग में जा रही इतना मेकअप इतना तैयार ही ओ माय गॉड मैं तो नहीं इतना मैं भी हूँ इतना तैयार मेरी कॉल आ रही है पापा बैठ चुके हैं मामा बैठ चुकी हैं और ये भी बैठ चुकी है और ये भी बैठ चुकी है और गाइस दो बहनों के बारे में अपडेट देती चलूं दोनों हेलो बच्चे हमें बाय बाय करें यहाँ पे क्यूट बच्चे तो दोनों बहनें जो हैं मेरी शूट पे गई हुई हैं फातिमा भी और हेरा भी तो हम तीनों इसलिए जा रहे हैं हमेशा हर जगह शुक्र है आज वो दोनों नहीं आए क्योंकि हम लोग गाड़ी में खुले होके पूरे आने वाले हैं शुक्र इसलिए कि वो मेहनती लड़की है ना वो काम कर रही हैं मैं ज़रा आलसी हूँ तो मैं सैर कर रही हूँ ये दो मेंटल पीस इधर खराब हो चुके हैं बिल्कुल पानी क्यों नहीं दे रहा ये देखना अभी पानी क्यों नहीं दे रहा पानी पीना ये देख पानी क्यों नहीं दे रहा पानी क्यों नहीं दे रहा पानी क्यों नहीं दे रहा एक्शन जेड़ा नशा नशा तेरी आंखों में यहाँ डांस प्रैक्टिस हो रही है गर्ल्स की चले जी अब हम यहाँ पे पहुँच चुके निकलो उतरो नीचे पागल बहन है तुम क्या चाह रही हो जिसके डोले अब हम भाई पहुँच गए मुझे तोहफे पता नहीं क्या ये गाने सुन के आ गई गाड़ी में बस अब बोली जाएंगी पागलों की तरह बस डांट खानी है तुमने पापा से देखिए अच्छा राबिया का वेट कर रहा था भाई इन बच्चों ने बहुत अच्छा वेलकम किया आपके साथ एक हाँ एक राबी ने सही बताया था राबिया है ही बेवफा चलो जी ये लग गया जी खाना यहाँ आके हम लोगों ने खाना है खाना राबिया व्हाट आर यू डूइंग हियर वो क्यूट है इसलिए मैं भी क्यूट ये तुम्हारे जैसा बिल्कुल अच्छा मैं आपकी सर्व कर दूँ यस मैम प्लीज खाना को राबिया की प्लेट पे देखिए क्या इसने सारा कुछ मिक्स कर दिया राबिया बंदा इंसान होश कर लेता है थोड़े से जैसे ब्यूटी को लेने के लिए फ्लैश लाइट ऑन किया करो तो वैसे भी अच्छी आ रही हूँ ये मेरी प्लेट है सैलेड इट्स टाइम मर्द हजरात तो हाथ में ना कटोरियां आपकी कटोरी की तुम यहाँ पे फोन यूज करने आई हो ओह वाओ हु इज दिस ब्यूटी ब्यूटी राबिया फैसल ये पूरी वीडियो देखिए मैं इंस्टा पे जाके देखो अच्छा अच्छा बड़ी प्रमोशन हो रही है चाय टाइम चलो पियो चाय पियो अस्तग़फ़िरुल्लाह इसकी ब्यूटी का राज़ है कि बिल्कुल चाय नहीं पी रही मेरी तबीयत इतनी ऑफ हो रही है कि मेरी चाय की बड़ी बुरी किसी और ने पी लिया था Two hours later. So guys, हम लोग जो हैं वो घर वापस आ गए को इस वक्त बचने में आपको घड़ी पर टाइम दिखा देती हूँ 3:30 हो रहे हैं और मेरा तो इस वक्त मैं तो बीच में सो गई थी और मेरी आंखें देखें आप इस वक्त ऐसे फुल सोई हुई अम्मा को देखें मम्मा इतनी लेट हम लोग आए हैं और मानो साहिब इधर और राबिया तो फटाफट अंदर पहुँच गई है मतलब उसको बहुत नींद आ रही है देखना है यार ये अभी हम घर आए तो ये फ्री है ये सीजन है ये लड़की इसको सीजन खेलने नहीं दे रही देखने नहीं दे रही मेरा स्पॉइलर देख रही है हाँ तो कौन करना मेरा सीजन है हम दोनों ने एक साथ छोड़ के तो एपिसोड 8 पे आ गई है मैंने 6 तक छोड़ा था ये हाँ। स्पॉइलर देख रही है इसका सीजन इसने लॉन्च किया था बट नहीं मैंने ये राबिया ऐसी है तुमने जानबूझ के ना लिखना शुरू कर दिया जानबूझ के चलो उसको फ्री होती हूं बिजी बंदी हूं तुम तो घरेलू हो अच्छा ये देखो इधर दिखाओ हमारे घर नया रिमोट आया गाइस वो पुराना दिखाओ एक सेकंड हमारे घर पहला रिमोट था दिखाएगी येलो यार राबिया तो इतना हमारे घर पहला रिमोट आया था तो वो काफी खराब हो गया था हाँ, उसको तो अब प्राउड टू बी पाकिस्तानी नया रिमोट आया तो पापा ने उसके ऊपर शॉपर लगा दिया पीछे से नहीं जो गाड़ी से हम शॉपर नहीं उतारते तो हाँ। भी शॉपर लगा दिया कि अब ये बच्चे खराब ना करें टेप ले वाह ये खराब कर दिए इन्होंने और ये नया आ गया ठीक है अभी चौपड़ नहीं उतरेगा क्योंकि पापा कहते हैं हम लोग खाना खाते हैं तो वही चिकने चिकने हाथ इस पे तब ये सही है ठीक है गुड अभी इस पे सीजन पे आपस में लड़ो पुराना रिमोट तुम ले लो चलो ये पुराना तुम्हारा हो पुराना भी चलता है बेटा अब हम सब लोग जो है मतलब सोने की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जा रही हूँ अपने कमरे में बिकॉज मैं भी बहुत मैं फिर दवाई लूँगी फिर सो जाऊँगी क्योंकि मेरा सर बहुत बुरी तरह चकरा रहा है अपने कमरे में आ गई अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल आई एम सो डाउन आई जस्ट वॉन्ट टू
टेक अ गुड नैप. तो या इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अपनी दुआओं में स्पेशली मुझे याद रखिएगा. अगर मैं जल्दी सही हो गई तो मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक व्लॉग्स लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए बहुत मजे के. ठीक है जी, तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.